हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप रियल लाइफ ब्लॉग। एक्चुअली ये बोलने का आदत नहीं है रियल लाइफ ब्लॉग, सो मैं कभी कभी भूल भी जाती हूँ और बोलने में भी थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि स्टार्टिंग से बोली हूँ रुचि दीप तो रियल लाइफ ब्लॉग लगा मतलब साथ में लगाने में थोड़ा अलग हो जाता है। सो नवरात्रि के पहला दिन का ये ब्लॉग है। कल मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, कल का ये ब्लॉग है। तो सुबह उठी, सबसे पहले साफ सफाई से स्टार्ट होता है और देख सकते हैं बाबू मेरे साथ बाथरूम में भी होता है, बाथरूम में भी मुझे नहीं छोड़ता ये। मतलब झाड़ू पोछा लगाने टाइम तो ये इसको सबसे ज़्यादा बाहर आ जाता है, अगर जगा हुआ है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो और मुझे भी बहुत ज़्यादा अतरंगी आप देख रहे होंगे, मतलब अजीब तरीके से कपड़ा को जो मैं उठा के ऐसे बांध ली हूँ जैसे कि वो लेबर सब काम करता है, तो ऐसे अपने कपड़ा को मतलब गाँव में यहाँ तो ऐसा होता भी नहीं है तो बांध लेता है। एक्चुअली जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ ना तो ये फ्रॉक सूट टाइप का है तो आगे आ जा रहा है, मतलब पूरा झुक जा रहा है और नीचे लेटने लग रहा है, तो इसलिए मैं ऐसे ऊपर कर ली और जल्दी जल्दी मुझे करना था क्योंकि सुबह सुबह ये काम भी करना था और उसके बाद खाना वाना भी बनाना था, पूजा वूजा भी करना था, सब कुछ करना था। और जब भी कुछ मेरा स्पेशल दिन होता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा क्या कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाता है, और थोड़ा भी एक्स्ट्रा कुछ करना है तो बच्चों के साथ तो आप समझ ही सकते हो। वैसे ही नॉर्मल डे में मेरा 11 से 12 के बीच में खाना होता है, और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना है जैसे भगवान जी को धोना पोछना, उनको सजा के जगह पर रखना, चुन्नी वगैरह लगा उगा के, और तो यही सब कुछ कुछ जो है। बाबू तुम जान बूझ कर उधर गिर रहे हो ना, उड़ जाओ, ऊपर आ जाओ। कोई बात नहीं। तो बस इसीलिए मैं देखिए अभी निकल गया, मेरा टीका भी नहीं ज़्यादा देर, तो जल्दी जल्दी मैं वही झाड़ू लगाई हूँ और पोछा लगा रही हूँ झाड़ू लगाने के बाद, तो सोचा कि थोड़ा सा ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। ब्लॉग स्टार्ट कर दी और पोछा लगाना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है यार, पूरा पसीना छूट जाता है झाड़ू और पोछा में। झाड़ू भी कोई कम आसान काम नहीं है, मतलब एकदम अच्छे अच्छे पोछा तो ये भी है कि जल्दी जल्दी लगा दो, झाड़ू मेन होता है कि पहले झाड़ू अच्छा से लगाना होता है, कोने कोने से निकालना होता है, या फिर कोना तो छोड़ो ऐसे भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो दोनों साथ में करने में लगभग आधा घंटा तो लग ही जाता है और आधा घंटा तक कंटिन्यू करने में हालत पस्त हो जाता है। यहाँ मुझे सुनने में आया कि बाबू कर लिया है पॉटी, तो वही मेरा और हालत ख़राब हो गया कि अभी छोड़ के मुझे जाना होगा उसको साफ़ करने के लिए। और अभी मतलब एक और रूम बाकी है, एक रूम हो गया, एक और रूम और किचन बाकी है, मैं सोच रही हूँ। और ये हॉल देखने में आप लोगों को छोटा लग रहा होगा कहीं, लेकिन ये तीन भाग में पोछा लगता है, एक जो उधर बेसिन साइड है और टेबल लगा हुआ है जो अभी दिख नहीं रहा है, और दूसरा साइड उसके जैसे वो हो गया दक्षिण साइड, ये पश्चिम साइड में ये बेड लगा हुआ है, बेड की चौड़ाई आप मान लो उसके बाद इतना मैं ले लेती हूँ जितना वो सामने टेबल लगा हुआ है उतना मैं ले लेती हूँ, और फिर बीच में मतलब तीन बार ऐसे लंबे लंबे जाना पड़ता है, तीन पोछा लगता है तब अच्छे से लगता है, और अगर कितना भी कैसे भी करना चाहो तो कम से कम दो बार तो लगाना ही पड़ता है, मतलब दो बार पोछा को धो धो कर सुखा करके लाना पड़ता है तब जाके कंप्लीट होता है हॉल, इतना ज़्यादा परेशानी होता है। तो मैं वही बोल रही थी कि पहले साफ़ कर देती हूँ क्योंकि अभी एक और रूम बाकी है और फिर किचन भी बाकी है, तो पहले मैं वाइप से पोछती हूँ उसके बाद धो भी देती हूँ और नहा भी देती हूँ। ज़्यादातर यही टाइम रहता है 10 बजे के करीब में, 10 से 11 के बीच में जब वो दूध पी लेता है उसके आधे घंटा के बाद। तो अभी मैं सोच रही हूँ पॉटी सीट पे बैठाने का, एक टाइम था कि कुछ दिन मैं बैठाई थी वहाँ पे हरियाणा में, तो कर ही लेता था क्योंकि जब पता चल चुका है कि दूध पीने के इतना देर बाद करेगा तो कर लेता है, लेकिन क्या होता है ना कि हमारा दूध पिलाने का टाइम ही कभी ऊपर नीचे हो जाता है, और दूसरा जो हस्बैंड का अभी जाने का जो टाइमिंग हो गया ना वो भी उसी टाइम में रहता है, तो मैं थोड़ा सा
कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसी दिन हस्बैंड के जाने के बाद बाबू को दूध देती हूँ, किसी दिन उससे पहले देती हूँ, और इस चक्कर में डाइपर में ही मतलब उसको करना पड़ जाता है। तो अगर मैं करवाऊँगी तो वो करेगा, बट मेरा ही गलती है। और पोछती हूँ पहले उसके बाद धोती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे धोने में सही से नहीं बनता है, पोछा हुआ रहता है तो अच्छा से धोने में बनता है, तो ये कारण है। और पोछ वाइप्स इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि धोने से ज़्यादा अच्छा से पोछा आ जाता है। मुझे वाइप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसमें शैम्पू या कुछ ऐसा लिक्विड तो रहता ही होगा जिससे अच्छे से पोछा जाता है। तो ये सब हो गया। और जैसे पोछने के बाद पैंट पहना दो तो थोड़ा देर छोड़ भी सकते हो क्योंकि एकदम अच्छे से साफ हो जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मीठी का पैंट पहन लिया है, और ये देखिए क्या बोल रहा है। तो जब भी आता है जूस या लस्सी या कुछ भी चीज़ आता है तो अब दो आता है, तो मीठी दोनों वही पी लेती है दो टाइम करके। और अब बाबू भी पीने लगा है तो वो सोचती है कि उसके में से भी मुझे चाहिए, तो वही बोल रही है कि मैं मांगती हूँ तो नहीं दे रहा है। कभी कभी ये बहुत प्यार से खुद भी पिएगा, अपनी दीदी को भी पिलाएगा, और कभी कभी नहीं देना चाहते रहता है। तो वही मैं बोल रही थी कि मांगो, पिलाया था लेकिन बहुत बार नहीं पिलाते रहता है। तो ये देखिए खाना बनाने से पहले का ये सब कुछ है, मतलब झाड़ू पोछा हुआ, उसके बाद हम लोगों का एक बार चाय हो गया, थक गई थी मैं तो वही चाय पी रही थी। मीठी बाबू ऐसे चला रहा है, बार बार बंद कर दो। और उसके बाद मुझे खाना बनाना था, तो फिर ये सोच रही थी कि वैसे तो चलो लौकी का ही सब्ज़ी बनेगा, लेकिन जो उसमें नमक डालूँगी हल्दी डालूँगी वो तो उसी मसालदाने में से डालूँगी जिसमें से मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो लहसुन प्याज हाथ वाला रहता है, कभी प्याज कट कर ली उसी हाथ से मसाला निकाल के डाल दी, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जब इतना ज़्यादा कर ही रहा है कि अड़वा कच्चा चावल होता है वो खा रही हूँ, और इसे मसूर दाल वगैरह नहीं खाना होता है तो ये सब नहीं खा रही हूँ, और चना दाल अरहल दाल मूंग दाल ये सब खा सकते हो, और बिना नमक सॉरी बिना लहसुन प्याज का खा रही हूँ, जब इतना कुछ कर ही रही हूँ तो फिर वही वाला मसाला क्यों यूज करूँ। तो मेरे पास कुछ डब्बे थे, उसी डब्बे को मैं थोड़ा सा इधर उधर एक्सचेंज करके और कुछ चार डब्बा खाली की, और उसमें मैं डाल रही हूँ जो मतलब कि अलग मसाला रखा हुआ है वो सब। तो ये एक जैम का वो था डब्बा था जो कि शीशा का है, कांच का है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैं सोची इसी में नमक डालती हूँ। बहुत दिन से मैं धो के इसको रखी हुई हूँ बट यूज नहीं कर पा रही थी, तो इसमें नमक भर दी, बहुत सुंदर लग रहा था, एकदम क्लीन क्लीन है और वाइट लग रहा है। और उसके बाद ये तीन डब्बा मैं धो करके ले जा रही हूँ, ये तुरंत करंट जो जो काम कर रही हूँ उसका रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे जैसे मुझे मिल रहा है वैसे वैसे मैं साफ करते जा रही हूँ, उसमें डालते जा रही हूँ, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर ली हूँ, नहीं तो फिर ये भी नहीं हो पाता। और इसी तरह से मैं काम कर लेती हूँ, कुछ प्लानिंग करके नहीं करती हूँ कि ये काम उस टाइम करेंगे फिर इसका रिकॉर्ड करेंगे और फिर ब्लॉग में डालेंगे, ऐसा करके नहीं करती हूँ ना, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग कुछ कुछ चीज़ें जो है वो ब्लॉग में शामिल नहीं हो पाता है। अगर कैसे भी करके रिकॉर्ड कर लूँ तब तो हो ही जाएगा, तो वही अभी मैं कर ले रही हूँ, नहीं तो ये भी चीज़ नहीं हो पाता कि चलो अब क्या ये डब्बा दो धो रही हूँ, कभी एक धो रही हूँ, कभी एक में मसाला डाल रही हूँ, कभी दो में मसाला डाल रही हूँ, तो ये क्या रिकॉर्ड करे, ऐसा अगर सोचती तो फिर नहीं हो पाता, इसलिए नहीं सोची और कर ही ली। तो ये देखो बस ऐसे ही कैमरा लगा कर रख दे रही हूँ और अपना काम भी करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे तीन डब्बा था, इन तीनों को मैं पोछी, और मेन जो मसाला होता है वो नमक हल्दी मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर होता है, उसके बाद गरम मसाला यूज करो, किसी किसी मसाले में जिंजर गार्लिक पेस्ट भी होता है, जैसे मुझे डाउट था शायद ये क्या बोलते हैं चिकन मसाला में होता है, बट अभी पूरा डब्बा मेरे पास नहीं है कि मैं उस पर पढ़ूँ और देखूँ। तो ये जैसे धनिया कोरिएंडर पाउडर मिलता है ना वैसे ही पाउडर था, ये क्या बोलते हैं गरम मसाला का पाउडर, उसी टाइप के पन्नी में रखा हुआ था जिसपे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, मेंशन नहीं किया हुआ है कि हाँ इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है या नहीं है, तो शायद नहीं ही है, तो बस वो भी मुझे मिल गया है। तो फिलहाल मुझे ये तीन डब्बा मिला है जिसमें ये हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर रखी हूँ, नमक तो मैं रख ही चुकी हूँ जैम वाला डब्बा में, और उसके बाद एक और डब्बा मुझे मिला जिसका बाद में मैं रिकॉर्ड नहीं की, तो उसको भी फिर साफ़ की पोछी और उसमें मैं डाल दी गरम मसाला, कभी दिखेगा आपको सब्जी बनाते टाइम। तो बस ये चार मसाला हो गया, पांच मसाला हो गया, मतलब नमक हल्दी धनिया मिर्ची और गरम मसाला, और मेन यही चीज़ें होता है। उसके बाद आप अदरक लहसुन जो बात है ना
वो कहने की बात है। जैसे कि कोई भी सब्जी बनाओ बिना लहसुन प्याज का भी उतना ही टेस्टी बनता है, बस थोड़ा सा का अंतर होगा, बस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, तो बहुत ही टेस्टी बन जाता है। और अभी नवरात्रा में तो आप बनाओ, बहुत टेस्टी बनेगा। वेलकम बैक टू माई चैनल रुचि दीप रियल लाइफ ब्लॉग। और आज सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ एक चीज़, ये देखिए मेरा मंदिर सजा हुआ, माँ का दरबार। वैसे बैक कैमरा से अच्छे से दिखेगा। ये देखिए ये रेड कलर का लाइट लगा है, जो कि मंदिर को क्या बोलते हैं, चार चांद लग गया मंदिर में, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और मेरा पूजा वगैरह सब हो चुका है, देख सकते हैं। ये देखिए वैसे तो मैं सुबह से ही ये ब्लॉग स्टार्ट की थी, मतलब सुबह में थोड़ा बहुत जो भी साफ़ सफाई ये सब चला है तो थोड़ा बहुत शूट की, लेकिन सामने से नहीं कर पाई। और जैसे साफ़ सफाई करने के बाद नहाना धोना हुआ, उसके बाद आज मैं ये साड़ी भी पहनी हूँ। ये साड़ी देख चुके हो आप लोग, मम्मी आई थी तो एक दो दिन, एक दिन या दो दिन ऐसे पहनी थी। तो क्या हुआ, सब गिर गया। तो बस नहा धोने के बाद बाबूलों को पहले नहलाई दोनों को, वो दोनों तैयार हो गया, उसके बाद मेरा नहाना धोना हुआ। और आज जैसा कि फर्स्ट डे है, कलश स्थापन है आज, तो आज थोड़ा सा होता है जैसे मंदिर की साफ़ सफाई तो हो गई कल ही, जैसे जो भी धोना ये वो हुआ, लेकिन फ़ोटो वगैरह जो साफ़ करके और सब कुछ लगाना होता है वो सब हुआ। और पूजा करने टाइम का मैं वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि थोड़ा बहुत शूट की हूँ तो वो इंस्टाग्राम के लिए की थी, रील्स बन गया, शॉर्ट्स बन गया। तो शॉर्ट्स हो या वीडियो हो क्या फ़र्क पड़ता है, शॉर्ट्स भी आप लोग देख सकते हो, शॉर्ट्स में मैंने डाल दिया है। और बस उतना ही शूट की थी पूजा का, तो पूजा की आरती की, और ज़्यादा पार्ट मैं नहीं करती हूँ, संपूर्ण पार्ट नहीं करती हूँ। बाकी जो चीज़ हमारे इधर बिहार में चलता है, इधर बंगाल में तो नहीं चलता है, बिहार में चलता है, जो मतलब कि लहसुन प्याज नहीं खाना होता है, नॉनवेज तो खैर बहुत दूर की बात है, जो लोग खाते भी है वो भी इस नवरात्रि में तो छोड़ ही देते हैं। और लहसुन प्याज भी बहुत सारे लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं भी खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी खाते हैं। सो मेरा भी वही है, बिना लहसुन प्याज का ही, और कोई ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, सब सही रहता है। ये देखिए बाबू को, बाबू पहना था जीन्स और ये कुर्ता, लेकिन जीन्स इसका उतर गया क्योंकि ये कर लिया था छिछी, तो उसके बाद उतर गया। और हंस रहा है, ये देखिए इसका बाल बहुत बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से इसके नाक में ऐसे ऐसे जाता है और इसको गुदगुदी लगता है, तो हमेशा नाक ऐसे ऐसे रब करता है। क्या जय करो, जय प्रणाम करो, तो भगवान जी को आंख बंद करके, आंख बंद करके प्रणाम कीजिए। और ये बेड शीट यहाँ का हट गया है, बिछाई भी नहीं हुआ, अभी यहीं पे आकर के बैठ गई। वो जो मंदिर में जो पहले से लाइट लगी हुई थी दो, जिसमें एक खराब हो चुका था एक सही था, तो मतलब इतना अच्छा लाइट नहीं था, लेकिन अभी हस्बैंड आज लेकर के आया है, तो वो अभी पूजा करने के बाद लगाए हैं, और वही इतना सुंदर लगने लगा है ना कि मन किया कि वीडियो लेते हैं। और तब ध्यान में आया कि आज तो ब्लॉग में कुछ भी मैंने शूट ही नहीं किया है, बस सुबह में झाड़ू पोछा हुआ, और खाना में कुछ दिखाने लायक नहीं था, क्योंकि चावल दाल लौकी की सब्जी पापड़ वगैरह ये सब हुआ है, और ऐसे ही चलेगा अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि लौकी का ही सब्जी बनेगा, मैं हर चीज़ का सब्जी बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज का, और अच्छा भी लगता है, नॉर्मली इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस सोच में है, थोड़ा सा स्वाद में चेंज होता है, लेकिन अभी मुझे पता है कि नहीं खाना है तो सब अच्छा लगता है। तो बस इसीलिए सोचा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, अभी से जो होगा होगा, शाम में भी दियावाती करना ही होता है, साँझ दिखाना ही होता है, वो तो नॉर्मली हर रोज करते हैं लोग, साँझ में साँझ दिखाते हैं, लेकिन आज है कि आरती करते हैं। और हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा दोनों पढ़ सकते हैं, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं हूँ, सिर्फ और सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ी हूँ और अम्बे माँ की आरती की हूँ बस वही। और लेकिन कल से दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी, कुछ दिन से ना मैं दुर्गा चालीसा पढ़ना छोड़ी हूँ कुछ दिन से, तो इस वजह से याद नहीं था, और मैं बस हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ी हूँ तो इसलिए याद नहीं था, तो इसलिए हनुमान चालीसा ना पढ़ के सिर्फ दुर्गा चालीसा पढ़ी। और ये देखिए इस लड़का को क्या किया है, क्या लेकर के आ गया, क्या है, रख के आओ, जाओ चलो रख के आओ, दीदी सो गई और ये बदमाशी कर रहा है।
पूजा करने के बाद हम लोगों का खाना पीना हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने गए बाबू के लिए कि ये थोड़ा सा सो जाए या जो भी हो। सोया तो वैसे था ही थोड़ा सा, तो आज कोई खास दिन तो है नहीं कि फिर से सोएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचे कि ये भी आराम करेगा तो हम लोगों का भी आराम हो जाएगा, क्योंकि खाते खाते मेरा 1 बज गया था। और जब भी ऐसा कुछ स्पेशल दिन होता है थोड़ा सा भी, कि जिस दिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ करना हो, उस दिन पता नहीं क्या होता है 1 बज ही जाता है मेरे खाने में। नॉर्मली 11 से 12 के बीच में होता है, लेकिन स्पेशल कुछ भी होता है जैसे कि आज पूजा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो बस 1 बज गया। और ये कारण इसलिए है कि जैसे कि मान लो अगर हस्बैंड छुट्टी में है तो वो थोड़ा देर बाहर चले गए तो बाबू थोड़ा परेशान कर देता है, कुछ मेरा जो एक्स्ट्रा काम रहता है वो हो नहीं पाता है, तो इस वजह से मेरा लेट होता है। अगर ये भी घर पे रहते और कंटिन्यू मतलब ये होता कि बच्चा भी संभाल लेते तब लेट नहीं होता, लेकिन इसके कारण हो जाता है। जैसे अभी कुछ काम कर रही हूँ, अभी पोछा लगा रही हूँ, ये पॉटी कर लिया तो अभी वो छोड़ के फिर इसको करना, तो इस तरह से काम जो है ना डिले हो जाता है और फिर ऐसे कर करके लेट ही हो जाता है। तो हमारे खाना पीना होने के बाद हम लोग सोने गए, हम लोग तो नहीं सोए, मीठी सो गई है, लगता है ये देखिए मीठी सोई हुई है। और मीठी भी आज ये ड्रेस पहनी थी, ये सो गई है, बहुत सुंदर लग रहा है। थोड़ा सा और मुझे साफ सफाई करना है यहाँ पे ना, वो जो पहले वाला लाइट था वो सब उधर रखा हुआ है तो कचरा टाइप से लग रहा है, बाकी है कचरा कुछ नहीं, लेकिन ये सब जो है ना लाइट पहले का था वो सब है, तो ये सबको मैं हटाऊंगी और सुंदर बनाऊंगी। बहुत सुंदर लग रहा है लाइट, ये वीडियो में उतना अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो में उतना अच्छा आ नहीं रहा है, लाइट का तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा है, बस लग रहा है कि हाँ लगा हुआ है।